नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। अमरोहा के हसनपुर में निकाह के 2 महीने बाद इकरार अंसारी ने पत्नी साजिया शेख की हत्या कर दी और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करने के बाद घर से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इकरार अंसारी और साजिया के प्रेम संबंध थे। साजिया गर्भवती हुई तो उसके घर वालों को प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई। इकरार पर निकाह के लिए दबाव डाला लेकिन वह तैयार नहीं हुआ, जिस पर साजिया ने पुलिस में शिकायत की। मुकदमा दर्ज होने की नौबत आई तो उसने साजिया से निकाह कर लिया। इसके बाद दोनों नगर के मोहल्ले लालबाग में किराए के कमरे में रह रहे थे, लेकिन आज अचानक उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। सर, जो हसनपुर में घटना हुई है उस संबंध में? जी, हसनपुर थाना क्षेत्र में एक युवती की लाश मिली है घर में, जिसमें कि उसके परिजनों का कहना है कि उसके पति ने उसकी हत्या की है। जो तहरीर परिजनों ने दी है उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी और जो अन्य साक्ष्य होंगे उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। नाम है तुम्हारा? नाजिम। नाजिम भाई, क्या हुआ है? कब शादी हुई थी? 2 महीने पहले। अब कहाँ है वो? इकरार पता नहीं, भाग गया वो। अब आपकी बहन की डेथ हो चुकी है? देख लेके आ रहा हूँ। यूपी के मेरठ में जेल चुंगी पुलिस चौकी के पास नलकूप में जय की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जय का गला काटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया। 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की मेरठ में उनके घर में गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि हत्या को जय की पत्नी ने अपने प्रेमी और बड़ी बेटी के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। वही आरोप है कि हत्या के लिए जय की मां ने भी बहू को 20,000 रुपए दिए थे। पुलिस ने जय की पत्नी, उसके प्रेमी और लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी मां अभी फरार है, जिसकी तलाशी जारी है। जिनको हम एग्जैक्ट बाइट जो है वहां पर क्या क्या हुआ उसको नहीं दे सकते, मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें पुलिस के प्रकाश में आई हैं, उनको हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे। बट आई वांट कि उनकी वीडियोग्राफी और कैमरोग्राफी ना की जाए। ठीक, तो पहले हम जो अभियुक्त है हम उसको यहाँ पीछे। मऊ जिले की पुलिस ने पैरामिलिट्री की वर्दी में 2 अंतरप्रांतीय शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा एक ट्रक में 70 लाख रुपए के कीमत का अवैध गांजा को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। तस्करों को गिरफ्तार कर 2 तमंचा और भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू है, जनपद में पूर्व से भी अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। 4 नंबर का ट्रक, मिनी ट्रक जो आप पीछे है, इसमें भर करके सेना की ऑन ड्यूटी लिख करके सेना की वर्दी पहन करके कुछ अभियुक्तगण के द्वारा गांजा जो अवैध तवांग से लाया गया नॉर्थ ईस्ट से यहाँ ले आकर के उतारा गया। कंसाइनमेंट को इन लोगों ने कई जगह उतारा है, बीच के स्टेट में कहाँ उतारा है वो भी पूछताछ का विषय है, पूछताछ की जा रही है। इनके कब्जे से हमें बरामद हुआ है 7 क्विंटल अवैध गांजा बरामद हुआ है। गाड़ी एक DCM ट्रक AR04-5634 धर्म अपने मालिक के इशारे पर, जैसा ये बता रहे हैं, काम करते थे। सेना की वर्दी, सेना का ऑन ड्यूटी लिख करके किसके आइडिया से किया गया है, स्थानीय जो भी कंसाइनमेंट लेने वाला है वो कौन है, वो सब हमारे तफ्तीश का विषय है। और की कीमत करीब 70 लाख रुपए मार्केट। मुरादाबाद में रात के समय 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नाबालिग के साथ हैवानियत का ये मामला ठाकुर द्वार थाना क्षेत्र का है। लड़की के साथ गैंगरेप की घटना का पता लगने के बाद उसके परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एक युवती के साथ में आरोपी गणों द्वारा गलत कृत्य करने से संबंधित एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। प्रथम दृष्टया दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, पूर्व से परिचित हैं। आरोप ये लगाया गया है कि जो पूर्व परिचित उन युवती के जानने वाले थे, उसने युवती को बुलाया और अपने साथियों के साथ में गलत कर दिया।
पुलिस के द्वारा अभियुक्तों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें समस्त आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। महोबा पुलिस ने आज अंतरराज्य चोर गिरोह को उस वक्त धर दबोचा जब वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात के साथ कई अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। कल दिनांक 16 मार्च 2019 को रात्रि करीब 10 बजे के आसपास कीरत सागर जहाँ का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वहाँ पर आला चौक के पास 7 बदमाश पकड़े गए हैं एक बोलेरो के साथ, जिनके पास से 3 तमंचे और कारतूस मिले हैं। साथ ही साथ काफ़ी कीमती सामान, सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, कुछ चांदी की सिल्लियाँ भी हैं। इसमें से हमारे एक बदमाश मध्य प्रदेश का है, कोतवाली के हैं और 2 खरेला के हैं, एक कबरई का भी है। तो कुल अभी 7 बदमाश मिले हैं, 2 भाग गए हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसमें मध्य प्रदेश में सतई थाना क्षेत्र की एक घटना का अनावरण हुआ है। विवार थाना जनपद हमीरपुर का है, वहाँ से घटना किया गया है और महोबकंठ की कुछ चोरियों का खुलासा हुआ है। साथ ही साथ इसमें से 3 व्यक्ति गैंगस्टर के वांछित थे, जो काफ़ी दिनों से वांछित चल रहे थे, जो इनामिया भी थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से 3 तमंचे और 1। खबर गाजीपुर से है जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले दिनों सेंध लगाकर की गई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस चोरी की वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 मार्च को थाना लंका वाराणसी के अंतर्गत एक लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यवसायी को कुछ लोगों ने बंधक बनाया, उसके बाद उसके साथ लूटपाट की। ये जो चेकिंग के दौरान थाना अध्यक्ष खानपुर को एक हुंडई गाड़ी संदिग्ध मालूम पड़ी, जिसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया। गाड़ी पर बैठे 3 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागे, लेकिन ड्राइविंग सीट और बगल में बैठा हुआ व्यक्ति पकड़ा गया, जो क्रमशः आशीष एलियास ऋषु झा और गोरख एलियास अनिल यादव के रूप में उनकी पहचान हुई। उन्होंने पूछताछ कर बताया कि उनके पास जो सामग्री मिली वो संदेहास्पद थी। किसी और का पैन कार्ड, किसी और का डीएल, किसी और का आधार कार्ड, इस आधार पर सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि थाना लंका अंतर्गत 13 तारीख की घटना उनके द्वारा कारित की गई है। जो मौके पर मिली हुई सामग्री है वो वादी मुकदमा या पीड़ित सुजीत कुमार और अजीत इनकी या इनके पिता से संबंधित है। इस संबंध में थाना लंका को सूचित कर दिया गया है, उनकी टीम ने पूछताछ की और वो इस अनावरण से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और इनके पास जो अवैध असलाह बरामद हुआ है उस संबंध में खानपुर थाना के पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गंगोहा की बात करते हैं जहां पर 3 शातिर महिलाओं समेत 5 बदमाशों ने जेवर देखने के बहाने सराफ से जेवरात लूट लिए और फरार हो गए, लेकिन घटना को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों और पुलिस ने पीछा किया तो हड़बड़ाहट में बदमाशों की गाड़ी एक मोड़ पर पलट गई, जिससे 3 महिलाओं को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। योगी राज में बुलंदशहर में बेटियों के साथ दरिंदे बराबर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बुलंदशहर में चंद ही घंटों में 2 अलग अलग स्थानों पर राह चलती 2 नाबालिग किशोरियों को दरिंदों ने कमरों में खींचकर हवस का शिकार बना डाला। एक किशोरी से गैंगरेप की वारदात हुई तो वहीं दूसरी किशोरी से बलात्कार की वारदात हुई। पुलिस ने दोनों पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा है। पुलिस की माने तो गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले भी नाबालिग हैं। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या लगती है आपकी? क्या पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि वो लड़की पढ़ने के लिए गई है बराबर में गाँव में जैसे चले जहाँ घरों में, और वो पढ़ने के लिए जा रही थी तो वो लड़के 4 लड़के हैं जिन्होंने वो लड़की पकड़ के घर में खींच लिया। फिर क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ जो भी उन्होंने करना हो वो करा। हाँ, अब कहाँ है बताइए आपके? वो यहीं पर है। हाँ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया? देखो चल रही है रास्ते, तो अभी हमारे बात समझ में बैठी नहीं है अभी कुछ भी। चल रहा है आप रोक रहा हूँ काम हो रहा है आपको। औरंगाबाद थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग, देवाई थाना क्षेत्र में 8 साल की मासूम, एक जगह रेप दूसरी जगह गैंग रेप, अभी तक क्या कुछ पुलिस के हाथ सफलता नहीं? बहुत दुखी का बात है
ये दोनों नाबालिग बच्ची है, इतने लोग इसमें मुलजिम है, वो लोग सभी लोग नाबालिग, ये बहुत दुखी का बात है। हम सोच रहा है कोई नया तरीका करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नाबालिग बच्चे ऐसे काम कर रहा है उसका रुकने के लिए। ऐसे इस केस में दुबई में उनका मेडिकल हो रहा है, वो नाबालिग बच्चे कस्टडी में है, इसी में वो औरंगाबाद में उसमें चार लोग हैं, दो बुरा काम कर दिया, वो नाबालिग है, वो अभी कस्टडी में लेके अभी रखा है, दो लोगों का अभी तलाशी चल रहा है। ठीक, इसी में मैं किसी को इसलिए नाम बोल रहा हूँ, सभी नाबालिग है इसमें। ओके, बहुत दुखी घटना है, हम रुकने के लिए नया नया तरीका का हम सोच रहा है कैसे हम इसका रुके। ओके सर, थैंक यू। शाहजहांपुर में पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नेपाली युवक ने थाना परिसर में ब्लेड से अपने गले की नस काट ली। पुलिस ने आनन फानन में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कई घंटों तक घायल नेपाली युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चला, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस उस नेपाली युवक का नाम और पता नहीं लगा पाई, और ना ही पुलिस को ये पता चल पाया कि आखिर ऐसा कौन सी वजह थी जिसके चलते युवक को अपने ही गले की नस काटनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके पूरे गैंग का खुलासा हो सके। सीओ साहब, ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने शराब तस्कर पकड़े हैं, कितने शराब तस्कर अरेस्ट हैं और कितनी मात्रा में शराब है? ये कल रात्रि में 2 बजे चेकिंग के दौरान जो है इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी और उनकी टीम के द्वारा 140 पेटी शराब पकड़ी गई है, जिसमें दो तस्कर शराब के गिरफ्तार हैं। मैं एक शादिक पुत्र खालिद निवासी खिवाई थाना सरूरपुर मेरठ, हाल पता खेड़ा वाली मस्जिद कचरों वाली पुल थाना लिसाड़ी गेट का है। दूसरा राशिद पुत्र बाबू निवासी खिवाई वहीं का है, अभी ये रह रहा है वर्तमान में समर गार्डन लिसाड़ी गेट में। सर साहब, क्या चुनाव से संबंधित शराब की चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए जायज़ है? अब ये इनको जो टास्क दिया गया था अभी पूछताछ की जा रही है, फिर जैसा इसमें आगे विवरण इनका आएगा उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल सहित 1 बाइक बरामद की है। क्या है पूरा मामला? आज परतापुर इंस्पेक्टर चेकिंग कर रहे थे मलियाना पुठा रोड पर, तो 3 लड़के बहुत तेज स्पीड में बाइक से आते हुए देखे गए, उनको रोका गया, नहीं रुके, उनका पीछा किया गया। पीछा करने पर थोड़ी दूर चलने के बाद बदमाशों के द्वारा फायर कर दिया गया पुलिस पार्टी पर। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक बदमाश साजन घायल हो गया, एक पकड़ा गया और एक फरार होने में निकल गया। बदमाशों के कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 खोखा राउंड, 6 जिंदा कारतूस, इसके साथ ही 4 मोबाइल मिले, जिसमें से ये पाया गया कि 2 मोबाइल टीपी नगर थाना क्षेत्र से ही लूटा हुआ है। शेष विस्तृत पूछताछ की जा रही है, घायल को हॉस्पिटल भेज दिया गया इलाज के लिए, विस्तृत पूछताछ में जो भी चीज मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए CNN News पर। तब तक के लिए नमस्कार।